हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आर्ट स्टूडियो श्यामरंगा पे। कल हमने आईज की स्टडी की थी और आज हम नोज की स्टडी करेंगे। पहले हम कैसे ड्राइंग करते हैं नोज की और उसके बाद हम कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। मोस्टली ड्राइंग हम कैसे करते हैं नोज की, जैसे हम दो लाइन लगाते हैं पहले ऊपर से और फिर ऐसे हम नोज ड्रॉ करते हैं, और जब उसमें हमने शेडिंग करनी होती है तो उसको हम ऐसे शेडिंग करते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमने कौन सी साइड किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी से हम ऐसे शेडिंग करते हैं और फिर उसकी आउटलाइन कर देते हैं डार्क। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हम इसको कैसे शेडिंग करते हैं, ये आउटलाइन हमें कहीं नहीं दिखाई देती उसकी, तो हम अब दोबारा से ड्राइंग करेंगे कि हमको किस तरह से हमें नोज की ड्राइंग करनी चाहिए। पहले हम बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और जैसे ये नोज का हमारा सेंटर हो गया और साइड में ये दो हम सर्कल और लगा लेंगे, इससे हमारा नोज अच्छी तरह से बन जाएगा। हम पहले पेंसिल को लाइट इसलिए चलाते हैं ताकि हमारे से जो गलती हो जाती है वो आसानी से इरेज हो जाए। ये सिर्फ आइडिया के लिए हमने एक हल्की ड्राइंग की थी, और बाद में हमारी ड्राइंग होने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा ड्राइंग की थी वो हम इरेज कर देंगे ऐसे। अब आप देख सकते हो कि नोज की हमारी ये जो ड्राइंग है ये लगभग ठीक हो गई है। उसके बाद अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग करते वक्त हमें बिल्कुल हल्के हाथ से शेडिंग करनी चाहिए। अगर हमने कहीं पर डार्क करना है तो धीरे धीरे हम पेंसिल को लाइट ऐसे शेडिंग करते रहेंगे, और उसके ऊपर हमने जैसे कि डार्क और ज़्यादा करनी है तो उसके ऊपर हम ऐसे डार्क करते रहेंगे। जैसे डेप्थ दिखाने के लिए नीचे वाले पार्ट में हम यहाँ डार्क कर रहे हैं, अगर हम शेडिंग नहीं कर सकते आसानी से तो हमें पहले अपने आसपास या अपने जैसे मिरर हम यूज कर सकते हैं, शीशा, उसमें देख सकते हैं कि हमें किस तरह से शेडिंग की हुई है। ऐसे हम धीरे धीरे इसमें अंदर शेडिंग करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, और धीरे धीरे यह हमारी ड्राइंग फाइनल हो जाएगी विथ शेडिंग। अब जैसे नोज को हमने ऊपर डेप्थ साइड में डेप्थ दिखाने के लिए हम इसके नीचे शेड करेंगे, जिससे हमारा ये नोज थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देगा। किसी चीज़ को जैसे ऊपर उठाने के लिए हम उसके नीचे डार्क करते हैं, ऐसे ही जैसे नोज का ये वाला पार्ट ऊपर उठाने के लिए हमने इसके नीचे थोड़ा सा डार्क किया है। ऐसे धीरे धीरे फिर उसको हम मिक्सिंग करेंगे साइड में ऐसे, वो हमने थोड़ी डार्क पेंसिल यूज कर रखी थी 11B, इसको साइड में हल्की हल्की मिक्स करने के लिए मैं अब ये HB वाली पेंसिल यूज कर रहा हूँ जो कि लाइट होती है। जैसे डार्क करने के लिए हमने डार्क पेंसिल यूज कर लेनी चाहिए, और लाइट शेडिंग करने के लिए हमने लाइट पेंसिल यूज कर लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारी पेंसिल आती है जैसे 2B, 4B, 6B, 8B, आजकल तो हमारे जैसे 10B और 11B और 12B भी आने लगी है। जितना ये बी ज़्यादा होता है उतनी ही डार्क पेंसिल होती है, और जितना ही ये जैसे 2B हो गई ये लाइट पेंसिल होगी, उससे डार्क होती रहेगी, जैसे 12B तक सबसे डार्क पेंसिल होती है। जहाँ पर हमने ज़्यादा डार्क करना है, जैसे अब मैं इसके अंदर 12B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क करना है।
अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ पर हमने लाइट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ लाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर हमने डार्क करना होता है वहाँ पर हम डार्क पेंसिल यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम जितनी ज़्यादा टोन्स यूज करेंगे हमारी जो ड्राइंग है उतनी ही अच्छी होगी। तो हमें ये जैसे लाइट टोन हो गई, फिर मीडियम हो गई, और उससे फिर डार्क टोन हो गई, फिर वेरी डार्क टोन हो गई, और लाइट में जैसे हाईलाइट होगी। हाईलाइट के लिए हमने जैसे शीट को ही हम छोड़ देते हैं, और जितनी ज़्यादा ये हमारी टोन्स होगी हमारा जैसे उतनी ही अच्छी हमारी ड्राइंग हो जाएगी। तो इन टोन्स का हमने ध्यान रखना चाहिए। कल हमने आइज़ के बारे में स्टडी किया था, तो आपको आइज़ वाली हमारी जो ड्राइंग थी वो कैसी लगी? और आज हम जो ये नोज की कर रहे हैं ये आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम करेंगे जैसे माउथ के बारे में, कल ड्राइंग होगी हमारी जो कि 9 o'clock हमारा ये स्टार्ट होगी 9 PM पर। अगर आपका भी इसके अंदर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, और आगे से हम भी उसमें थोड़ा सा और जो सुझाव होगा आपका उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे इसके अंदर जैसे हम शेडिंग कर रहे हैं ये हमारी ड्राइंग और भी अच्छी होती जा रही है। जैसे ये राउंड दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी हम और मिक्सिंग कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जैसे राउंड दिखाने के लिए हम उसके दोनों साइड डार्क करेंगे जिससे वो हमारी राउंड लगेगी। जैसे ये नोज है ऐसे हम डार्क करेंगे। अब जैसे इसको हम मिक्सिंग करने के लिए जैसे अब क्या कर रहे हैं, ब्रश के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा इसको हम मिक्सिंग कर रहे हैं जिससे ये थोड़ा सा और सॉफ्ट नज़र आए ऐसे। जैसी ड्राइंग है जिस तरह से उसी तरह से हमने इसको स्ट्रोक्स में हमने ब्रश को चलाना चाहिए। अब जैसे नीचे वाला ये डार्क जो पार्ट है इसमें हम वो करेंगे, और इसमें धीरे धीरे नीचे की तरफ हमने मिक्सिंग किया ऐसे। ऐसे धीरे धीरे हम मिक्सिंग करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारा जो नोज है वो और अच्छा लग रहा है। ऐसे हम किसी चीज़ को जितना भी टाइम देंगे वह चीज़ अच्छी तो बनेगी ही ऐसे। अब जैसे पहले आप देख सकते हो पहले हमारा नोज कैसा था और अब ये कैसा है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।